हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा और टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और उसके उसके शेयर की गुडविल को पता करना और उसके संबंध में जनरल एंट्रीज जनरल एंट्री समझ लेंगे तो लेजर अकाउंट में कहाँ उसकी पोस्टिंग होंगी ये भी आ जाएगी। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जब एक फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको पता ही होगा कि 10 और 26 में लिखा हुआ है कि गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, गुडविल अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब कोई उसको परचेज करे तब उसकी एंट्री होती है, अदरवाइज गुडविल अकाउंट नहीं दिखाया जाता है। तो जब रिटायरमेंट ले रहा होता है तो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, उसको कैपिटल उसकी रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल को चुकता करने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का कि क्या रकम आई, और उस वैल्यूएशन गुडविल का करके उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लेते हैं। चूंकि बिजनेस को पूरा करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स का हिस्सा ले लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ले लेते हैं, किसी भी रेशियो में ले। तो जिस हिस्से में वो इनका हिस्सा लेते हैं उसी प्रोपोर्शन में इसकी गुडविल की रकम को पेड ऑफ करने के तरीके से इसको इनके कैपिटल को डेबिट करी जाती है। रिमेनिंग पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उसी गेनिंग रेशियो में डेबिट करते हैं। ये है सिचुएशन इसकी। तो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हमको रिटेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है गुडविल की रकम से विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। और वो किस रकम कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देंगे, और किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे। अब एक और सिचुएशन गुडविल के बारे में कि व्हेन एनी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज, अगर मान लीजिए कि किसी पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जैसे कि रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो उसके अलावा है रिटायरिंग को छोड़ के और उसको छोड़ के जो बाकी पार्टनर्स हैं फर्म में वो गेनिंग रेशियो में आ जाते हैं। ठीक है, वो गेनिंग रेशियो में रेमेनिंग उस इन दोनों के अलावा बाकी जो है वो रेमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू पार्टनर्स वो गेनिंग रेशियो में है, तो वही लोग पे करेंगे। और किसको किसको पे करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे, और ये जिस व्यक्ति जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है उसको पे करेंगे गुडविल। तो रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर शेयर गेनिंग टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल टू रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर सेक्रीफाइस। मतलब अब हमने बताया आपको कि जैसे कि अभी रिटायरिंग पार्टनर्स है गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने गेनिंग शेयर में फुलफिल करते थे। ठीक है, लेकिन जब सेक्रीफाइस करने वाला रिमेनिंग और कंटिन्यू पार्टनर इसे ही एक है तो उसको भी क्रिएट क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, राइट, चूंकि वो डिक्रीज हुआ है, चूंकि उसका रेशियो डिक्रीज हुआ तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हुआ है ना, जिन लोगों का इंक्रीज हुआ उनको डेबिट से मिले के उसको फुलफिल करेंगे। क्या अगली बात, अगर गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो चूंकि वो जब भी दिखाया गया तो उसमें जितने भी पार्टनर्स इंगेज हैं क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं सॉरी क्रेडिट करते हैं और बाकी सब पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। अगर दिखाया गया है तो इस तरीके से उसको करते हैं राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, एसेट्स को उल्टा करते हैं टू में ले आते सॉरी और सारे पार्टनर्स को डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी रकम इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये जो रकम गुडविल में दिखाई गई इन बीएस में। अच्छा, अब और दो बातें कि अकाउंटिंग फॉर गुडविल इन दिशाओं में क्या क्या होगी, क्या कि ऑन गिविंग रिटेनिंग पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल, रिटेनिंग पार्टनर को उसके शेयर की गुडविल रकम देने पे, जैसा कि अभी हमने बताया कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो
गेयरिंग रेशियो में डेबिट करेंगे टू रिटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, पिछले पन्ने बताया था वो हो जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, और ऊपर जैसा कि अभी जैसे कि हमने यहाँ बताया कि ऑन राइटिंग ऑफ गुडविल शॉन इन बीएस अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और टू गुडविल अकाउंट इन बीएस। तो इस तरीके से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।